ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगली बात जो मैं समझती हूँ कि जो सामने आती है ना, कि हर एक को हम एक्सेप्ट करें। कई बार क्या होता है कि कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, ठीक है, सब अंदर से रिजेक्ट है, तो है कैसा है, तो चलता ही ऐसे, तो करता ही वैसे, वो भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंदर से हमें समझ होनी चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कम है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा ये ऑलरेडी मेरे खुद दे रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि वो मैं बन जाऊँ तो वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक, जो हमारे हमें बता दिया है, तो वो मैं बन जाऊँ वो तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे अंदर में द्वंद चलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें, हम बार बार अपने को समझाएं, अपने को समझाएं कि देखो तुमने इसको यहाँ रखा है, या तुमने इसको ये सेवा दी, तुम्हें ये भी पता है कि इसको एक बार समझाने से नहीं समझ आती, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो उसको इधर राइटिंग में देना पड़ेगा, या उसको बार बार तीन बार कहना पड़ेगा कि देखो ये याद हो गई ना कि चावल लाना है तो बासमती ही लाना है। बासमती याद हुआ कि नहीं हुआ, चावल तो याद हो गया, ये बासमती याद नहीं हुआ तो क्या होगा, वो चावल तो ले आएगा लेकिन मोटा ले आएगा आपको, चलता बढ़िया चावल, ठीक है ना। तो या फिर हमें उसे राइटिंग में देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कभी भी हम जीवन के अंदर प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना बने, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं तो हमें ही अपना ज्ञान का जीवन बहुत सरल और सरस भी लगता है। नहीं तो कई बार ये लगता है क्या जीवन है, इस जीवन में भी चलकर वही बातें हैं, वही डिस्कशंस हैं, हम अपने को उनसे ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करते। और जब हम ऊपर नहीं उठेंगे तो क्या होगा, भारी ही बने रहेंगे ना, ऊपर कौन उठ पाएगा, छलांग कौन लगा पाएगा, वही तो लगा पाएगा ना जो मोटा नहीं होगा, जो मोटा होगा भारी होगा तो वो उन्हें छलांग लगा सकता। इसके बाबा ने बोला मन को कभी मन मत बनने दो,